700 भारतीय विद्यार्थी जिन्हों के उपर कैनेडा तो डिपोर्ट होने की तलवार लटक रही सी। ते लगातार ही उन्होंने वालों धरना प्रदर्शन दिता जा रहा सी। उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि असी तो पीड़ित हाँ, असी कोई मुजरम नहीं हाँ कि सानू सज़ा दी जा रही है, सानू इतों डिपोर्ट किया जा रहा है। गलती तो उन्होंने इमीग्रेशन कंपनी की हैगी जिन्हों के वालों सानू फेक डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो सानू सज़ा क्यों दी जा रही है। जिस तो बाद कैनेडा के PM के वालों भी उन्होंने भरोसा दिता गया कि तुसी टेंशन ना लो, असी हमेशा तो बच्चों की गल सुन दिया, उन्होंने मौका दिता जाता रहा है कि तुसी अपना हक जो ताड़ी गल हैगी वह भी साढ़े सामने रखो, तो इस बार भी अजिहा मौका जरूर दिता जाएगा। तो हुण बच्चों नू वड्डी राहत मिली, हालांकि पहले ही लवप्रीत नू राहत मिल चुकी सी, जिस तो बाद लगातार ही धरना प्रदर्शन जारी सी कि हजे तक जो तलवार सी बच्चों के उपर लटक रही सी रिपोर्ट की वह हजे तक खत्म नहीं होया। तो तुसी जो लगातार ही अपील करते रहो, तो हुण उन्हां बच्चों के लिए वड्डी खबर है क्योंकि हुण बच्चों नू रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तुहानू दस दईए वड्डी राहत मिली है, कैनेडा दे विच पढ़ाई करन गए पंजाबी विद्यार्थियों नू आरजी तौर ते राहत मिल चुकी है। जी हाँ, कैनेडियन अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल कौमांतरी विद्यार्थियों नू डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ते टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी जो इस दे विच इन्वेस्टिगेशन करनगे, ते नाल ही इस दे विच जांच पड़ताल की जाएगी कि जो बच्चे बिल्कुल ठीक ने, जिन्हां दे वल्लों कोई भी इस दे विच जाली काम नहीं किया गया, उन्हां नू डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बच्चे इस दे विच पाए जाएंगे जिन्होंने जाली काम किया, उन्होंने डिपोर्ट जरूर किया जाएगा। तो एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिस दे विच हुण इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ते नाल ही जो 700 बच्चों के उपर तलवार लटक रही सी उन्होंने अहले जो आ डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। International students who are genuine applicants that came to Canada to study and were victimized by fraudsters will be given permission to remain in Canada. Those who were complicit in a fraudulent scheme will be held accountable for their actions and will bear the full consequences of Canadian law for their illicit behavior in this particular instance. फिलहाल तुहानू दस दईए कि बीते दिनों तो ही कैनेडा दे जो मिसिसागा शहर दे विच जबरी वापस भेजे जाण दे हालात दा सामना कर रहे सैकड़े विद्यार्थी पिछले करीब 2 हफ्तों तो सरकार दे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सन। कैनेडा दे विच रोज़ मुजाहरा कर रहे विद्यार्थियों का कहना सी कि साड़ी इस दे विच कोई भी गलती नहीं है। जलंधर दे एजुकेशन सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा दे कीते जो कथित घोटाला जो उन्होंने वालों किया गया सी, असी उसका शिकार हुए हैं, तो उन्होंने पत्रां दे आधार उत्ते विद्यार्थियों वीज़ा लैके कैनेडा चले गए सन। तो जो उन्होंने वालों PR दे लई अप्लाई किया गया तो उस तो बाद पता लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोल हैगे, जिन्हों डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वह उत्थे रह रहे सन, वह नकली सी, जिस दे आधार पर उन्होंने डिपोर्ट करन दी गल कही जा रही सी। तो हुण वड्डी राहत इन्हों मिल चुकी है। तुहानू दस दईए इमीग्रेशन मंत्री शीन फ्रेजन ने जानकारी दी है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है धोखाधड़ी पीड़ितों की सुरक्षा और मदद के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। समीक्षा के दौरान देश निकाले नू रोक दिता गया, धोखाधड़ी का शिकार हुए असल विद्यार्थी देश निकाले का सामना नहीं करेंगे, कैनेडा दे विच रहण दे योग होणगे, ते नाल ही धोखाधड़ी विच शामिल होण वालियां नू वापस भेजिया जाएगा। तो वड्डी राहत उन्हां विद्यार्थियों नू भी मिली है, ते उन्हां दे मापियां नू भी मिली है जिन्हां दे वल्लों लखां ही रुपए लगा के वह विदेश दे विच जांदे ने पढ़ाई करदे ने सैटल होण दे लई जांदे ने, ते जदों पता लगदा है कि हुण उन्हां नू डिपोर्ट होना पवेगा क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जाली पाए गए ने, तो फिर बच्चों के नाल ही मापिया ते की बीतती होगी, इस दा अंदेशा इस वक्त तुसी भी लगा रहे होवोगे। तो फिलहाल वड्डी खबर कि हुण बच्चे डिपोर्ट नहीं होणगे।